नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय हनुमान जयंती से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज चर्चा करेंगे हनुमान जयंती पर विशेष क्या करें और हनुमान जयंती जो मनाया जाता है इससे आम जनमानस पर कितना प्रभाव होता है, साथ ही आम लोगों के जीवन में इसका लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या आप अपने जीवन में इस हनुमान जयंती के दिन ऐसा क्या करें जिससे आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाएं दूर हो और उन बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर सुखमय जीवन के साथ आगे बढ़े। तो मित्रों, हनुमान जयंती का जो यह त्योहार है ये बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे भारत वर्ष में चैत्र मास शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कमाल की बात तो यह है कि पूर्णिमा तिथि और साथ ही हनुमान जयंती दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में बनता है, और जब ये दोनों साथ में आते हैं तो पूर्णिमा तो ऐसे अपने आप में एक बहुत ही बड़ी तिथि मानी जाती है, भगवान नारायण का विशेष दिन माना जाता है, या ऐसा कहा जाए कि इस ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी देवता हैं पूर्णिमा के दिन प्रसन्न करना उनको सबसे आसान हो जाता है। तो इस वर्ष पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या करें जिससे भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जयंती कब है। तो 27 अप्रैल 2021 यानी कि मंगलवार चैत्र मास शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का यह त्योहार इस वर्ष मनाया जाएगा। अब हनुमान जयंती को पूरे भारत वर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हनुमान जी महाराज भगवान राम के सबसे प्रिय हैं और साथ ही साथ में सबसे प्रिय हैं। और आप सभी को यह भी पता होगा कि हनुमान जी महाराज जीवित हैं, उनको अजर अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था मां सीता के द्वारा। अब हनुमान जयंती का जो यह त्योहार है यह हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन हनुमान जी के भक्त भगवान हनुमान जी को अलग अलग तरह से प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके का उपाय पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जिससे हनुमान जी महाराज को शास्त्रों में कष्ट भंजन देव के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही कष्ट भंजन देव है तो आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाओं से आपको छुटकारा प्रदान करते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि यह जो पूर्णिमा तिथि है ये कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, और इस बीच किस तरीके का उपाय करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो पूर्णिमा तिथि 26 अप्रैल 2021 यानी कि सोमवार के दिन दोपहर 12:43 से प्रारंभ होकर मंगलवार यानी कि 27 अप्रैल 2021 को रात्रि के 8:47 तक यह तिथि रहेगी। तो उदिया तिथि का बड़ा महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। तो मंगलवार के दिन पूरे ही दिन हनुमान जयंती का पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। साथ ही जो लोग विशेष कृपा भगवान नारायण की भी प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग इस दिन भगवान नारायण का पूजन कर सकते हैं, या सत्यनारायण भगवान का भी पूजन करना अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों के ऊपर शनि ग्रह की 7.5 या फिर शनि ग्रह की ढैया चल रही होती है या चल रही है या शनि की महादशा और अंतरदशा, उनको क्या करना चाहिए। विशेष करके जिन लोगों पर 7.5 है जैसे धनु राशि, मकर और कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 है, और उसके अलावा शनि की जो ढैया है वह मिथुन और तुला राशि वालों पर चल रही। इन राशि वालों के लिए शनि के इस प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जयंती के दिन क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। तो सर्वप्रथम हनुमान जयंती के दिन आप ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे बड़ा ही आपको राहत मिलेगा। उसके साथ साथ में आप हनुमान चालीसा का 108 पाठ कर सकते हैं, यह भी अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। उसके अलावा और विशेष उपाय क्या करें जिससे हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। तो उस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाए और चोला चढ़ाए और साथ साथ में चमेली के तेल का दीपक जलाकर यदि आप हनुमत सहस्रनाम, हनुमत कवच या फिर बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं
तो हनुमत कवच का पाठ करें, साथ में सुंदर कांड पाठ करना भी अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। और साथ ही आप हनुमान जयंती के दिन शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, शनि के दोषों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए काले वस्तुओं का दान करना, सरसों के तेल का दान करना भी अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।